कांग्रेस का टीएमसी से तालमेल नहीं हो पाया और इससे कांग्रेस खफा है। और अब कांग्रेस के नेता टीएमसी के उम्मीदवारों पर सवाल उठा रहे हैं और ये कह रहे हैं कि ममता दीदी बाहरी उम्मीदवार क्यों लेकर आई। पोलराइजेशन में टीएमसी बनाम बीजेपी रह जाएगी, यानी कम्युनल फोर्सेस को जिंदा रखना चाहती हैं ममता जी बंगाल में। तो एक तरफ तो अल्पसंख्यक के सुरक्षा की बात करती हैं, दूसरी तरफ अल्पसंख्यक को डरवा के रखना चाहती हैं। टीएमसी ने ठान लिया है कि बीजेपी बनाम टीएमसी ही रहेगा, लिबरल और लेफ्ट पार्टियां नहीं रहेंगी। मुस्लिम समाज को इनसिक्योर करके रखना ही उनकी रणनीति है। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने खेला कर दिया। कल टीएमसी ने राज्य की सभी 42 सीटों के लिए उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया। इंडिया गठबंधन के सहयोगियों को बता दिया कि एक भी सीट किसी दूसरी पार्टी को नहीं दी जाएगी। एक विशाल रैली के जरिए ममता बनर्जी ने शक्ति प्रदर्शन किया और इसी रैली में सभी 42 उम्मीदवारों का ऐलान हुआ। इसके साथ ही कांग्रेस के साथ गठबंधन की सारी उम्मीदें ध्वस्त हो गई। लिस्ट में सबसे बड़ा चेहरा अभिषेक बनर्जी का है, जो कि डायमंड हार्बर से चुनाव लड़ेंगे। इसके अलावा बहरामपुर से यूसुफ पठान, कृष्णनगर से महुआ मोइत्रा, आसनसोल से शत्रुघ्न सिन्हा, दुर्गापुर से कीर्ति आजाद और घाटल सीट से अभिनेता देव फिर से उम्मीदवार बनाए गए। और पार्टी ने बशीरहाट सांसद नुसरत जहां का, जबकि जादवपुर के सांसद नेमी चक्रवर्ती का और बैरकपुर से सांसद अर्जुन सिंह का टिकट काट दिया। और आज की जो पॉलिटिकल हलचल है उसके बारे में भी जल्दी से आपको बता देते हैं। टीएमसी ने अकेला चलो की नीति पर वो आगे बढ़ी है। टीएमसी में इसको लेकर नाराजगी, खासतौर पर अर्जुन सिंह टिकट कटने से नाराज हो गए। बताया जा रहा है कि उनको मनाने के लिए विधानसभा में उतारने और मंत्री बनाने तक का ऑफर दिया गया। इस बीच में कांग्रेस और बीजेपी की अर्पिता आज बहुत महत्वपूर्ण बैठक है कैंडिडेट्स को लेकर। बिल्कुल, आज दूसरी लिस्ट पर मंथन होनी है बीजेपी में। साथ ही साथ जेडीयू में अगर देखिए तो 14-14 को कैबिनेट विस्तार मिल सकता है, यानी 14-14 ऐसे कैबिनेट मंत्री का पद सौंपा जा सकता है, क्योंकि नीतीश कुमार विदेश यात्रा पर थे, वो वापस आ गए और उसी का इंतजार था कि जैसे वो आएंगे तो आगे मंथन और चिंतन होगा, उसके बाद मंत्रिमंडल विस्तार। तो टीएमसी ने जिन बड़े चेहरों का टिकट काटा है उनमें से एक नाम अर्जुन सिंह का भी है। और जिस वक्त टिकट का ऐलान हुआ और काटा तो फिर नाराज होकर ममता की रैली से वो निकल गए और बाद में पार्टी उन्हें मनाने में जुट गई। सूत्रों के मुताबिक अर्जुन सिंह को टीएमसी ने विधानसभा चुनाव लड़ने और उसके साथ साथ मंत्री बनाने का भी ऑफर दिया है। और जानकारी ये कि अर्जुन सिंह को टीएमसी ने कहा है कि वो 12 नगर विधानसभा से सीट चुनाव लड़े और मंत्री भी बन सकते हैं वो।